अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। आपके बिलों के अंदर इतने कितने बच्चा ऐसे हैं जो कुपोषित हैं? कुपोषित हमारे जो लाल में है वो हमारे 276 बच्चा है, और जो एनआरसी लायक है वो हमारे 34 बच्चा है। हमारे यहाँ हर गांव में आंगनवाड़ी है, और आंगनवाड़ी हमारे 0 से 5 साल के बच्चों का हर महीने वजन करती है, वजन करके उनके ग्रेड निकालती है। तो ग्रेड से पता चलता है कि ये हमारा बच्चा हरे में है या पीले में है या लाल में है। तो जो हमारे पीले और लाल में जो बच्चे आते हैं उनको गृह भ्रमण के दौरान उनको खान पान की सलाह दी जाती है, उनका प्रतिमा वजन करके जो कुपोषित होते हैं उनको, जो एनआरसी वाले होते हैं उनको एनआरसी भेजा जाता है। तो आपके इस मोहल्ला में कितने बच्चा ऐसे हैं जो कुपोषित हैं? बहुत हैं, 10-15। क्या दिक्कतें आती हैं कुपोषित बच्चों में? बुखार चढ़ रहा है, जो आंखें पर आ रही, जो खाम है, खांसी उठ रही। आशा की तरफ से क्या मिलता है आप लोगों को दवाइयाँ बच्चों के लिए? माँ कुछ नहीं मिला, नहीं पता नहीं, जब से बच्चा भाई हो बस अकेले टीका भर लगी। आपका ये बच्चा कब से कुपोषित है? शुरू से है ऐसा ही? तो क्या आप लोगों को पता नहीं है कि इन्हें भर्ती करना है या नहीं, या आप लोग खुद ही नहीं कर रहे? हमें पता ही नहीं, हम कितने जाओ जब को पता दे रहे कितने हैं भर्ती होने के दवाई का, वहाँ तो जाओ। तो कितने बच्चा हैं जो अभी आप एनआरसी में भर्ती कराएंगे? 2 बच्चे। वे लोग जा भूल नहीं कि हमारे बाहर जा रहे, अगर रुके रहे तो अभी दीपावली बात करवा दे, नहीं रुके तो फिर का करवाए। सलाह दी थी कि बार बार स्तनपान करवाओ उनको, उनको हम और विजट करती हैं 42 दिन तक, और टीका लगाओ समर से, अपना खान पान सही रख। टीका लगवाने के लिए आती हैं, फिर बस टीका की कहने आती हैं जब कब लगता है। जैसे आपके बच्चा को पोषित हैं तो बताती हैं कुछ? नहीं बताती के मताई में उनकी मम्मी में दूध नहीं कराते, वही सो कहूँ टट्टी कराते बुखार चढ़िया उठते, वही सो आशा है सुबह आउती हैं कब हूँ नहीं आउत बता दे। 3 साल तक दें, अब वे उन्हें जैसे 12 महीना है, 12 महीना में 4 महीना 5 महीना देते हैं फिर नहीं देते। लोग क्या देती हैं कुपोषित बच्चे के लिए? जी अभी आई नहीं रहा कुछ, जी पंजीरी आ रही अभी, तो जी मिला अब जवान लगे कछु तो देन लगे, अभी आई नहीं रहा कुछ।